अभी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, जिसमें एलडीसी, स्टेनोग्राफर, डीमैन, कुक, इसके बाद सिविलियन मोटर कारपेंटर, फायरमैन, और यहां पर जो एमटीएस जो 10वीं पास बच्चे केवल इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहां पर उम्र और सारा कुछ हमने आप लोगों को बता दिया था। और दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई जो है वह 27/1/2023 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है, तो आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर इस भर्ती को देख ले। भर्ती को देखने से पहले चलते हैं रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे का जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है वहाँ पर, और यहाँ पर देखिए फ्लैश न्यूज में चल रहा है एडवर्टाइजमेंट विल बी 27 जनवरी 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रुप सी पोस्ट मेंशन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कॉमर्स 27 जनवरी 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस भी देख लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमको उस दिन कॉमेंट किया था कि सर जी आप तो कुछ और दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नोटिस देखिए, देख लीजिए दोस्तों 25 जनवरी को नोटिस आया था, हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है 25 जनवरी को, फिर एक नोटिस, मतलब उसी दिन तीन नोटिस दिया गया था जिसमें सूचनाएं दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोस्तों ऑनलाइन जो एप्लीकेशन था, हमने आप लोगों को बताया था कि 27 जनवरी से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें शुरू हो जाएगा। केवल 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तब कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, कितनी आयु लगेगी, ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसा मौका एनडीए में जॉब करने का, सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट में जॉब करने का ऐसा मौका दोस्तों आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। आप लोगों को एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में, अब ये देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे या आके यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से जो है क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, आपका जन्मतिथि, समझ गए। और देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए जन्मतिथि किसके किसके बीच होना चाहिए, 16 फरवरी 1974, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो बताया गया है, समझ गए, 16 फरवरी 1974 से लेकर 16 फरवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, लॉगिन, ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, फिर पासवर्ड, फिर मेल फीमेल, समझ गए। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालने पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वह हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों, तब यहाँ से आप लोग आके, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ से आप लोग फिर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जो है लॉगिन और पासवर्ड और कैप्चा कोड फिलअप करके इसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो का हम संपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताते हैं, और ये आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई का लिंक कहाँ पर मिलेगा ये भी हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि फेक है, फेक नहीं है भाई, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, और देखिए यहाँ पर 25 जनवरी 2024 को रिक्रूटमेंट आया हुआ था, 200 पोस्ट का भर्ती है, समझ गए, 200 पोस्ट का यहाँ पर। तो यहाँ से आप जाके, यहाँ पर से जाके एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं दोस्तों यही नोटिस है, ये नोटिस हम आप लोगों को 25 जनवरी को भी दिखाए थे। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 16 पोस्ट है, 18 से लेकर 27 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। एस्टेनोग्राफर ग्रेड 2 18 से 27 साल है, एक भर्ती है। डी मैन के लिए 2 भर्ती है, समझ गए। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे अरे 1-2 भर्ती में कौन अप्लाई करता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद देख लीजिए कुक में बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आप कुक में अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। 18 से 25 साल यहाँ पर आपको मिल रहा है, 3 साल यहाँ पर ओबीसी को मिल रहा है और 5 साल एससी एसटी को मिल रहा है। तो एससी एसटी वाले कुक में 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ओबीसी स्टूडेंट है वह 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंपोजिट कम प्रिंटर में 18 से 25 साल एक पोस्ट है। इसके बाद सिविलियन मोटर में 3 पोस्ट है, जहां पर देख सकते हैं 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कारपेंटर में, यदि आप कारपेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो कारपेंटर में 18 से 27 साल 2 पोस्ट है, और यहां पर देखिए टीए ब्रेकर में 1 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट की हम दोस्तों यदि बात करेंगे कि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है दोस्तों आप लोगों को एमटीएस में है। देख लीजिए यहाँ पर मल्टीटास्किंग ऑफिसर, देख लीजिए यहाँ पर एमटीएस में 151 पोस्ट है,
समझ गए। और इसका जो पे है वह 18,000 से लेकर 56,900 रुपया है। और यहाँ पर MTS में 10वीं पास बच्चे केवल अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। 18 से लेकर 25 साल उम्र है, OBC 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों MTS में और कुक में जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए फायरमैन की भर्ती है, देखिए फायरमैन में दो पोस्ट है, पोस्ट की संख्या बढ़ भी सकती है। अब देखिए कुल 200 पोस्ट है और यहाँ पर बता दिया गया है कि आप लोग यदि किसी भी पोस्ट में डालते हैं तो 10वीं पास आपका होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। इसके बाद वही यहाँ पर देखिए आयु में जो छूट मिला है, एज रिलेक्शन हमने आप लोगों को बता दिया कि 5 साल SC ST को छूट मिला है और OBC को 3 साल छूट मिला है, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर वही सारी चीज़ें बता दिया गया है। और देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप लोगों को 21 दिन चलने वाला है, यहाँ पर लिंक भी दे दिया गया है जहाँ से हम यहाँ पर सीधा क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हम सीधा यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आ गए, अब यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है हम आप लोगों को इस वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वहाँ पर डाल देते हैं, साथ में भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है हम वहाँ पर भी डाल देते हैं, समझ गए दोस्तों। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर नोटिस भी है और जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि केवल 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई अदर डाटा नहीं लगेगा। NDA में जाने का समझ लीजिए एक अच्छा मौका है, प्लीज़ दोस्तों NDA में जाने का एक अच्छा मौका है। देखिए यहाँ पर LDC में 18 से 27, समझ गए दोस्तों LDC में। अब जो स्टूडेंट LDC में डालेंगे 18 से 27 उनका उम्र होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट जो है टाइपिंग उनका 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में कंप्यूटर में टाइम अलाउड 10 मिनट 35 वर्ड एंड 30 वर्ड क्रॉसपॉन्डिंग है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं स्टेनोग्राफर में। तो स्टेनोग्राफर में 18 से 27 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास। इसके बाद यहाँ पर DMAN में आते हैं तो 12वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुक में आते हैं तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कुक वाले जो है वो 18 से 25 साल, 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ गए दोस्तों। कुक में आपके यदि पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइए देखिए यहाँ पर फिर नीचे चलते हैं सिविलियन मोटर में। तो सिविलियन मोटर में ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 साल का होना चाहिए, 12वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फायरमैन में आइए तो फायरमैन में भी 18 से 27 साल है, 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन में आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो भी देख लीजिए, लंबाई 165 सेंटीमीटर है बिना शूज का, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर लगने वाला है, वेट 50 kg होना चाहिए और इंडोरेंस टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर डालेंगे वह डालेंगे MTS में। तो MTS में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं MTS में, पोस्ट की भी संख्या 151 है MTS में और यहाँ पर 18 से 25 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं MTS में, केवल 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग सीधा इस लिंक पर क्लिक करके, और मैं वहाँ पर लिंक डाल दे रहा हूँ, जाइए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों आप MTS में अप्लाई करें, बहुत अच्छा जॉब है MTS में, समझ दोस्तों। MTS की समझ लीजिए NDA में शानदार भर्ती सामने निकल कर आई है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो फटाफट जाइए और इसको फटाफट सभी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए।